क्या हसीन औरत थी, बस नजर खा गई। बेशक बेशक, नेहा नेक फितरत और नर्म तबीयत, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी किसी जरूरत का जिक्र किया हो उनके सामने और उन्होंने भरपूर अंदाज में मदद ना की हो। बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। क्यों भाई जहांरा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हारी तो मुलाकात वगैरह थी ना उनसे। तुम्हारी ही तरह बहुत मासूम दिखती थी वो शुरू शुरू। उनके आखिर के दिन बहुत अजियत में गुजरे, इस बात का बहुत दुख रहेगा। सुना है आखिरी दिनों में कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह में मुलव्वस हो गई थी। खुदा माफ करे और अकल दे इन घरेलू किस्म की खवातीन को। अरे वो हुस्ना साहिब तशरीफ नहीं लाई? घर में कोई मसला खड़ा हो गया होगा। पहले भी तो उनके घर वालों ने नीलो नील कर दिया था मार मार कर। हाँ हाँ याद है याद है। क्यों सर याद सब, जब वो अचानक एक मुशायरे से गायब हो गई थी तो ऐसे ही सुनने में आया था। पता नहीं किसने उड़ाई थी, कुछ पता नहीं चला था। हाफजा बहुत अच्छा है आपका। गलत सलत बातें याद रखते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते रहते हैं। वैसे उस वाकये से आज हुस्ना के लेट आने का क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में सब लोग आ चुके हैं तो दुआए मगफरत कर लेते हैं।